अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और हम अपने बुलियन अलजेब्रा को पढ़ रहे थे। जो हमारा आज का टॉपिक है, अब हमने पढ़नी है एसोसिएटिव बुलियन अलजेब्रा की लाज पढ़ने हैं। ठीक है, लाज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला लॉ है हमारे पास, वो है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो इस तरह होती है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, मतलब कि जो आप अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें तो फिर भी दोनों के दोनों बराबर आते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ। और सेम है, ये प्लस में भी होता है जिसको हम और कहते हैं। ठीक है, इन दोनों सिंबल्स में, दोनों सूरतों में हमारे पास ये क्या होता है, दोनों सूरतों में हमारे पास वैलिड होता है। तो ये हमारे पास था कम्यूटेटिव लॉ। अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में होता है, कम्यूटेटिव लॉ की स्टेटमेंट ये है कि अगर आप दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों को आपस में जो वैल्यू हमारे पास एक की निकल रही है वही वैल्यू हमारे पास दूसरे की भी निकलनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम ये जो है ट्रुथ टेबल की मदद से हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास a की वैल्यूज, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a को प्रूफ करना है हमने। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास a की वैल्यूज क्या हैं। a की वैल्यूज है हमारे पास f, false, true, ठीक है। सेम है जैसे हमारे पास b की वैल्यूज क्या हैं, ठीक है, false, true और true। अब सबसे हमने क्या है कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। हम सबसे पहले करके देखते हैं हम अपना a डॉट b, एंड का ऑपरेशन हम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि एंड का ऑपरेशन सिर्फ a की सूरत में ट्रू होता है जब दोनों के दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या हों, ट्रू हों। तो अब देखिए दोनों फाल्स हैं, यहाँ आएगा फाल्स, ये दोनों ये एक फाल्स है तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, फाल्स। सेम है जैसे यहाँ हमारे पास एक फाल्स है तो इसका भी फाल्स, ये दोनों एंड पे ट्रू हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रू। अब हमारे पास आ गया ये ए डॉट बी। अब सेम है जैसे हम क्या करेंगे, बी डॉट ए को करके देखेंगे। ठीक है, तो बी डॉट ए में हमारे पास क्या आता है, आपको पता है कि सेम एज हमारे पास लगेगा दोनों अगर फाल्स होंगी या दोनों जब तक ट्रू नहीं होंगी तो हमारे पास ट्रू वैल्यू नहीं आएगी, बाकी सब में फाल्स आएगी। ठीक है, इसमें हमारे पास फाल्स आ जाएगी, इसमें हमारे पास फाल्स आ जाएगी, दो ट्रू और फाल्स इज इक्वल टू फाल्स। और सेम एज हमारे पास क्या आ गया, ट्रू ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमने ये बात प्रूफ कर दी कि a डॉट b इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये हमारा ये प्रूफ था कम्यूटेटिव लॉ का। अब सेम मैसेज हमारे पास होता है, सेम मैसेज हम इसको यूज़ करते हैं अपने उसमें और के ऑपरेशन में। तो और के ऑपरेशन में भी हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को और करेंगे, ए डॉट बी को, ए और बी को दोनों को कर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उनको और करेंगे और देखेंगे उसके जवाब, उनका उसका आंसर हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ के मुताबिक ए डॉट बी ए प्लस बी, ठीक है, हम इसी टेबल को अगर कंटिन्यू करें, अगर आप इसी को कंटिन्यू करें तो ए प्लस बी हमारे पास क्या आएगा, अगर आप मैं ए की वैल्यू चूँकि हमारे पास सेम एज इट इज़ यही वाली है तो हम ए की वैल्यूज़ यही वाली लेके चलते हैं। हम ए प्लस बी को करके देखते हैं तो ए प्लस बी हमारे पास क्या आता है, अगर दोनों फाल्स होंगी तो हमारे पास क्या होता है, आंसर क्या होता है, फाल्स, बाकी सब में ट्रू। सिर्फ दोनों जब फाल्स होंगी, दोनों वैल्यूज अगर फाल्स होंगे तो हमारे पास उसका आंसर फाल्स आएगा, बाकी सब में ट्रू आएगा। ठीक है, अब देखिए फाल्स और ट्रू को कम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ट्रू। ट्रू और फाल्स को करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, ट्रू। और ट्रू और ट्रू को कम करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ट्रू। ठीक है, सेम एज हम क्या करते हैं, बी प्लस ए को करते हैं, सेम वैल्यूज है हमारे पास फाल्स की। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, अब सेम एज हमारे पास फाल्स, फाल्स क्या होगा, फाल्स। ठीक है, फाल्स ट्रू हमारे पास क्या होगा, ट्रू। ट्रू फाल्स हमारे पास क्या होगा, ट्रू। और ट्रू ट्रू हमारे पास क्या होगा, फाल्स। तो हमने ये बात प्रूफ कर दी है, ये हमारे पास ए कम्यूटेटिव लॉ था एंड का, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ था हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और यही हमारे पास था कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जो कि हमारी पहला CWM ATIV, ठीक है, ये हमारे पास था कम्यूटेटिव लॉ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ होता है वो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास तीन फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तीसरा फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम तीसरा फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इसकी वैल्यूज को ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले।
जब हमारे पास तीसरा फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास जो ऑब्वियसली हमारे पास जो क्या होगा, ये हमारे पास गिवन वैल्यूज हो जाएंगी, ये भी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, आपकी बुक में जिस ऑर्डर में लिखा है उस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, किसी और ऑर्डर में लिखना चाहें तो आप उस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है इसमें तीन वैल्यूज हैं, अभी हमारे पास होता है कि ए प्लस बी, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को हम पढ़ने लगे, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, बूलियन अलजेब्रा का सेकंड लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में वो कह रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बेटा इज इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। आप इसको इस तरह लिख लें या आप इसको दूसरा लिख लें, इसमें आप जिसमें आप बुक जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे करके लिख लें तो ये फिर भी आपका आंसर ठीक है। अगर सेम ऐसे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में होता है ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। अब हमें इसको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज को लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ में। अब चूंकि हमारे पास तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं तो हमारी वैल्यूज भी इंक्रीज, सबसे पहले ए है हमारे पास, बी और सी, ठीक है, सबसे पहले फाल्स फाल्स, चार दफा फाल्स, ठीक है, फिर चार दफा ट्रू, ट्रू ट्रू, ठीक है। सेम ऐसे हम क्या करेंगे, पहले दो दफा फाल्स, दो दफा ट्रू, फिर फाल्स और फिर ट्रू ट्रू, सेम हमारे पास होती हैं फाल्स ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स ट्रू, हमारे पास हो गई ये तीन वैल्यूज। अब हमने अपने एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करना है, एसोसिएटिव लॉ में सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि ए प्लस बी, हम पहले ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसके अंदर ऐड करेंगे अपना तीसरा वाला फैक्टर जो कि हमारे पास था प्लस सी। ए प्लस बी को सॉल्व कर देते हैं, ए प्लस बी हमारे पास क्या आ रहा है, एफ एफ को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, फाल्स। अब पता है कि सिर्फ एफ फाल्स फाल्स की सूरत में इसका आंसर फाल्स आता है, बाकी सब में इसका आंसर ट्रू आता है, ठीक है। तो फाल्स फाल्स फिर फाल्स फाल्स ट्रू ट्रू फाल्स ट्रू ट्रू फाल्स ट्रू 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 फाल्स ट्रू 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 और ट्रू ट्रू ट्रू। अब हमारे पास आ गया ए प्लस बी। अब हमने क्या, हमने एसोसिएटिव लॉ के हमारे पास एक साइड क्या थी, हमारे पास था ए प्लस बी जो कि हमारे पास ये आ गया प्लस सी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको c के साथ प्लस करना है, ठीक है। a प्लस बी हमारे पास क्या है, फाल्स 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 होगा हमारे पास, ठीक है, ट्रू। अब हमारे पास a प्लस बी को हमने c में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास जो ये आंसर है इसको हम टू के साथ c के साथ इसका ऑपरेशन सॉल्व कर रहे हैं, ओवर का ऑपरेशन, तो हमारे पास क्या आता है, ट्रू 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 और ट्रू, ठीक है। तो मतलब कि सिर्फ एक ही केस में हमारे पास इसका आंसर फाल्स आएगा, वो हमारे पास क्या होता है, जब दोनों हमारे पास दोनों की दोनों हमारे पास क्या होंगी, फाल्स होंगी, तो सिर्फ उस केस में हमारे पास इसका आंसर आएगा ट्रू आएगा, फाल्स आएगा, बाकी सब में इसका आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों में से हमने पढ़ा है कि ओवर की वैल्यू, ओवर के प्रेशर में अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी हमारी ट्रू आ जाए तो उसका आंसर हमारे पास ट्रू होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अब हमारे पास ये होगी एक साइड, अब हमने फाइंड करनी है दूसरी साइड जिसमें हमारे पास था कि बी प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी को हम a में ऐड कर रहे थे, सबसे पहले हम b प्लस सी को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो b प्लस सी को फाइंड करते हैं, हमारे पास क्या था, b प्लस सी फाल्स फाल्स, हमारे पास क्या होता है, फाल्स फाल्स ट्रू 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 फाल्स ट्रू 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 हमारे पास ट्रू होता है, फाल्स फाल्स हमारे पास फाल्स आ गया, फाल्स ट्रू ट्रू और थोड़ा मेरा बॉक्स छोटा हो गया, ठीक है, फाल्स ट्रू 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 फाल्स हमारे पास आ गया ट्रू और ट्रू ट्रू हमारे पास क्या आ गया ट्रू।
अब हमने इसका ऑपरेशन प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसको ए के साथ। जब हम इसको ए के साथ परफॉर्म करेंगे तो वो हमारे पास उसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, प्लस डॉट, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। और ये जो हमारे पास ये जो फॉर्म बन रही है, ये जो ए प्लस बी या ए प्लस सी बन रही है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये जो परफॉर्म कर रहे हैं इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है, तो ऑपरेशन सॉरी, तो जो हमारे पास आंसर निकल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बी प्लस सी का हमने क्या करना है, ए के साथ, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हम ए का और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बी के साथ, बी प्लस सी के साथ। अब बी प्लस सी और ए को करते हैं, बी प्लस सी हमारे पास का ए के साथ आ गया, इसका और इसका करना है, इसका और इसका ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है, ठीक है। बी प्लस सी को हम एफ के साथ, फाल्स फाल्स हमारे पास क्या आ गया, फाल्स, ट्रू फाल्स हमारे पास क्या आ गया, ट्रू, ट्रू फाल्स हमारे पास क्या आ गया, ट्रू, ट्रू और फाल्स हमारे पास क्या आ गया, ट्रू, फाल्स और ट्रू हमारे पास क्या आ गया, ट्रू, अगर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, देखिए फाल्स और ट्रू हमारे पास, ट्रू, ट्रू और ट्रू हमारे पास क्या आ गया, ट्रू, ट्रू और ट्रू हमारे पास क्या आ गया, ट्रू, और सेम एज ट्रू, ट्रू हमारे पास क्या आता है, ट्रू। अब हम इसको और इस एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब इन दोनों को हम आपस में कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, फाल्स फाल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू एंड ट्रू। तो इसका मतलब है हम ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि एसोसिएटिव लॉ को हम प्रूफ कर चुके हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी। तो हम अपना प्लस वाला लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक है, सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लिकेशन के साथ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसको थोड़ा सही करने की कोशिश, चले दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने ये प्लस वाला ऑपरेशन किया है, और वाला ऑपरेशन किया, तो अब हम इसको एंड वाले ऑपरेशन के साथ सॉल्व करके आपको ये भी प्रूफ करके दिखा देंगे कि इसको एंड वाले ऑपरेशन जब प्रूफ करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है, उसमें भी एसोसिएटिव लॉ इस बात को करता है, वेरीफाई करता है कि नहीं, ठीक है, कि हम जब डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मतलब एंड का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमने एंड के ऑपरेटर में हमारे पास सबसे पहले वैल्यूज़ क्या होती हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है, ए डॉट बी को फाइंड करना है, ए डॉट बी को फाइंड किया हमने, ठीक है, ए डॉट बी को फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि इसमें जब दोनों दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी हमारे पास तो फिर इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, फाल्स आता है। तो फाल्स 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 और ट्रू और ट्रू, मतलब कि हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज, एंड वाली दो वैल्यूज हमारे पास ट्रू हैं, बाकी हमारे पास क्या, सारी सारी वैल्यूज फाल्स हैं। अब सेम वैसे हम क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका एंड ऑपरेटर करेंगे हमारे पास, हम इसको करेंगे सी के साथ। तो हमारे पास कहते हैं ए डॉट बी को हम क्या करें, एंड ऑपरेटर करें सी के साथ, ठीक है। जब हमने इसमें एंड का ऑपरेशन अप्लाई किया तो देखिएगा उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या निकलती हैं, ठीक है। जब हमने अब इस ऑपरेशन का हमने एंड करना है सी के साथ, फाल्स आ गया पहला, दूसरा भी फाल्स, तीसरा भी फाल्स, चौथा भी फाल्स, फाल्स 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 और ट्रू, फाल्स फाल्स और ट्रू और ट्रू फाल्स। हमारे पास क्या आया, सिर्फ एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ट्रू, जो जो कि हमारे पास एंड वाली वैल्यू थी जिसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज ट्रू थी। अब हमारे पास ये हो गया ए डॉट बी, और हम इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सी के साथ। अब सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, तो दूसरी साइड इसकी प्रूफ करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारे पास B डॉट C, ठीक है। अब हम सबसे पहले B डॉट C का करेंगे, हमने B और C में हम एंड ऑपरेटर को करेंगे, फाल्स आ गया इस पहला हमारे पास, दूसरा भी फाल्स, तीसरा भी हमारे पास फाल्स, चौथा हमारे पास यहाँ ट्रू आ गया, ठीक है, दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू थी, पांचवा हमारे पास फाल्स, B और C का कर रहे हैं, फिर हमारे पास फाल्स, और फिर हमारे पास फाल्स,
और एंड वाली हमारी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ट्रू। ठीक है, अब हमने इस बी डॉट सी का हमने एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेशन करना है ए के साथ। ठीक है, हमने क्या करना है, बी सॉरी ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, अब हमने इसके साथ एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बी डॉट सी को हमने ए के साथ करना है। पहला फाल्स आ गया हमारे पास, दूसरा भी फाल्स आ गया क्योंकि ये दोनों फाल्स थे। ठीक है, ये और ये अगर आपको नज़र आ रहा हो मेरे पीछे तो बैक पे सेम एजरीज हमारे पास क्या आ रहा है, फाल्स और फाल्स हमारे पास क्या आ रहा है, फाल्स फाल्स और ट्रू भी फाल्स आएगा, ट्रू और फाल्स भी हमारे पास क्या आएगा, फाल्स आएगा, ट्रू और फाल्स भी हमारे पास फाल्स, सेम एज ट्रू और फाल्स हमारे पास क्या आएगा, फाल्स, और एंड वाली वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ट्रू और ट्रू हमारे पास क्या आता है, ट्रू। और ये बात हम प्रूफ कर चुके हैं, देखिए अब हमारा ये प्रूफ आ गया है, इन दोनों को देखें तो देखिए हमारे पास दोनों प्रूफ आ चुके हैं, फाल्स 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 एंड ट्रू। मतलब हम ये बात अपने एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ कर चुके हैं दोनों ऑपरेशन के साथ, एंड ऑपरेशन के साथ भी और ऑपरेशन के साथ भी, ये हमारे था एसोसिएटिव लॉ। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमारे पास क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम अपनी वैल्यूज़ को डिफरेंट तरीके से। अब मैं बड़ा इसको रेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इसको दोबारा चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमारे पास क्या होता है, हमें एंड और दोनों ऑपरेशन विद एक ही लॉजिकल एक्सप्रेशन के ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास था कि एक ही किस्म, हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन थी उसमें हम एक ही किस्म के लॉ, अगर हम प्लस का लॉ, अगर हम एंड का लॉ कर रहे हैं तो एंड का लॉ ही अप्लाई हो रहा है दोनों बोथ एक्सप्रेशन पे, और अगर हम और का लॉ कर रहे हैं तो वो और का लॉ ही बोथ एक्सप्रेशन पे परफॉर्म हो रहा है। लेकिन अब जो हम करने लगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसमें हमारे पास क्या होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास क्या होता है, इसकी एक्सप्रेशन हमारे पास होती है ए डॉट बी। ठीक है, मतलब कि ए का हमने एंड करना है बी प्लस सी के साथ, और सेम एज इज हमने क्या करना है, देखिए हम इसकी एक्सप्रेशन लिख देते हैं ए डॉट बी प्लस सी। अब हमने क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है, ये वैल्यूज हमारे पास इक्वल आएंगी, ए को हम क्या करेंगे एंड करेंगे दोनों वैल्यूज के साथ, और उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, मतलब ये कि हमने बी प्लस सी को, बी और सी के दरमियान क्या किया, और का ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको ए के साथ एंड कर दिया। ये हमारे पास इक्वली आएगा, अगर हम इंडिविजुअली ए का बी के साथ एंड लेंगे और ए का सी के साथ एंड लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, दोनों की दोनों मेरे पास वैल्यू आ जाएंगी, वो इक्वली आ जाएंगी। ठीक है, तो सेम एज इसका दूसरा जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है अगर हम प्लस वाला करें, ए ए प्लस बी, वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, अगर हम ए प्लस बी को हम सी के साथ करें, जो कि हमारे पास इसका मतलब कि सेकंड फॉर्म बन रही है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा था, ए प्लस बी डॉट सी, हमारे पास क्या आएगा, वो इक्वल आएगी ए प्लस बी के, और डॉट होगा हमारे पास ए प्लस सी के, अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब हमने इसको प्रूफ करना है, पहले हम सबसे पहले वाले को प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले हमने बी प्लस सी फाइंड करना है, बी प्लस सी। ठीक है, अब बी प्लस सी हमारे पास क्या होता है, आपको पता है कि हम और का ऑपरेशन होता है, दोनों में से कोई एक वैल्यू भी अगर हमारी ट्रू होगी तो हमारा आंसर क्या होता है, ट्रू आता है। तो पहली हमारे बी प्लस सी है, पहला हमारे पास फाल्स आ गया, दूसरा ट्रू, तीसरा भी ट्रू, चौथा ट्रू, पांचवा फाल्स, छठा ट्रू, और सातवां भी हमारे पास क्या आ गया, फाल्स ट्रू, सॉरी ऑब्वियसली ट्रू और फाल्स हमारे पास और का ऑपरेशन हो रहा है दोनों के दरमियान, और चौथा हमारे पास क्या है। ठीक है, देखिए हमारे पास टोटल वाले एट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसको निकालने का तरीका होता है, मतलब आपने मतलब अगर आपके पास दो वैल्यूज हों, दो ऑपरेशन हों, तो आपने इसका क्या करना है,
दो के साथ उसका टू के साथ स्केयर कर लें। अगर आपके पास थ्री हो तो आपने क्या करना है, उसका थ्री के साथ स्केयर करके आपके पास एट एक्सप्रेशन आती है। मैंने सॉरी पहले बताना भूल गया। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपने इसकी तीन वैल्यू निकालनी है, आपने इस तरह ऑपरेशन बनाना है या दूसरा बनाना है, ठीक है। जो मैंने पहले बना चुके टेबल, ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल चार वैल्यू थी, हमारे पास आठ वैल्यूज हैं। तो इसका हम कहता कहता है अगर हमारे पास दो ऑपरेशन, दो लॉजिकल वैल्यूज ऑपरेटर मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, टू के साथ उसका स्केयर कर लेते हैं। अगर तीन हो तो हम उसका थ्री के साथ करके जो हमारा आता है आंसर, उतने हम क्या करते हैं अपने वैल्यूज ऐड करते हैं अपनी, ठीक है, टू टेबल में। हमने बी प्लस सी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, बी प्लस सी का हमने एंड करना है ए के साथ। आपको पता है एंड में हम क्या, हमारे पास क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू हों तो फिर ही ट्रू आता है हमारा आंसर, अदरवाइज हमारा आंसर क्या आता है, फॉल्स, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करते हैं, ए बी प्लस सी का जो हमारा ऑपरेशन है उस पर हम एंड का ऑपरेशन सॉल्व करते हैं ए के साथ। पहली हमारे पास क्या आ गई, फॉल्स, सेम एज इट इज, दूसरी भी फॉल्स, तीसरी भी फॉल्स, चौथी भी फॉल्स, पांचवी फॉल्स, छठी ट्रू, सेवन्थ ट्रू और एट्थ ट्रू। ये हमारे पास आ गया ए डॉट बी प्लस सी। अब सेम एज इट इज हमने क्या करना है, अपने दूसरा ऑपरेशन के जो दूसरा साइड है, जो हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए डॉट बी इंटू प्लस, ये जो हमारे पास ये वाली साइड है इसको प्रूफ करना है हमने, ठीक है। तो इसको प्रूफ करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए डॉट बी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ए डॉट बी। अब सेम एज इट इज आपको पता है कि ए डॉट बी हमारे पास ट्रू तब होगा जब दोनों के दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू होंगी, ठीक है। ए डॉट बी हमारे पास पहली भी फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स, तीसरी भी फॉल्स, अगर आपको मेरे पीछे बोर्ड क्लियर है तो। अब आप इसको सब बना लें अपने कॉपी के ऊपर ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए मेरे पीछे। ये भी फॉल्स हमारे पास आएगा, ये भी फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ट्रू फॉल्स है हमारे पास, वो फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स हमारे पास क्या होता है, फॉल्स, और जो एंड वाली दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी, ट्रू ट्रू। सेम एज हमने क्या परफॉर्म करना है, ए डॉट सी। परफॉर्म करना है ए डॉट सी। अब ए का सी के साथ एंड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स फॉल्स हमारे पास क्या आया, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 हमारे पास क्या आया, फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स हमारे पास क्या आता है, फॉल्स। मेरा ख्याल है मैं टेबल ना कोई मिस कर दूँ, मिस मैच कर दूँ, ठीक है। ट्रू ट्रू हमारे पास क्या आता है, ट्रू, ट्रू फॉल्स हमारे पास क्या आता है, फॉल्स, और हमारे पास क्या आ रहा है, एंड वाला हमारे पास क्या, ट्रू ट्रू, जो कि हमारे पास क्या होता है, ट्रू। ये मेरे पास आ गया टेबल, ठीक है, ए डॉट सी का, ये मेरे लेफ्ट साइड है, थोड़ा लिखा गया नहीं सही तरह क्लियरली जा रहा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों ऑपरेशंस के ऊपर क्या करना है, और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। हमारे पास है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज के ऊपर क्या करना है, और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब देखिए फॉल्स 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 फॉल्स, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं। अब देखिए एंड वाली दोनों में से एक वैल्यू ट्रू तो ट्रू, दोनों में से एक वैल्यू ट्रू तो ट्रू, दोनों में से एक वैल्यू ट्रू तो ट्रू। अब हमारे पास आ गई एक साइड ये है और दूसरी साइड हमारे पास है ये। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं हम, देखिए हमारे पास फॉल्स फॉल्स फॉल्सिस फॉल्सिस, दोनों फॉल्स वैल्यू हमारे पास फॉल्स है, फॉल्स, और एंड वाले देखिए हमारे पास क्या है, तीनों के तीनों ट्रू। अब हमारा पास क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने की जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमारा हमारे पास जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी हमारा इसी तरह प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आपकी बुक पे वो बना भी हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। वैसे तो मैं सोचा था आपको करा दूँ, लेकिन ये है कि आप इसको देख लीजिएगा, बड़ा वो सेम एज इट इज़ होगा। उसमें हमने क्या करना है कि पहले हमने b प्लस बी डॉट सी है जो कि मैंने इसमें प्लस किया था पहले, अब हमने क्या करना है b डॉट सी करना है, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन ले लेना है। ए या अगर मैं c को अगर मॉडिफाई करता हूँ, बेटा ये इसको देख लें, मैं इसको थोड़ा इसमें चेंजिंग कर वैल्यू, इसमें वैल्यूज भी चेंजिंग कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, बी डॉट सी हमने सबसे पहले फाइंड करना है इसमें, जो कि हमारे पास इसकी पहली एक्सप्रेशन है बी डॉट सी फाइंड किया तो आपको पता है कि इसमें दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी, तो वो ट्रू होगा बाकी सारे फाल्स होंगे, तो इसमें दोनों वैल्यू ट्रू, यहाँ से सिर्फ एंड वाली में है, ठीक है, बाकी देखिए दोनों वैल्यूज ट्रू कहीं भी नहीं है, बाकी सारे सारे हमारे पास क्या होंगे फाल्स। इसको याद रखने का सिंपल तरीका है कि जहाँ दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू हों सिर्फ वो ट्रू होता है, बाकी आपका क्या होगा सारा फाल्स होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वाली वैल्यू का और ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है ए के साथ। अब आपको पता है कि इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर दोनों में से किसी एक भी जगह पे हमारे पास ट्रू आ गया तो हमारा आंसर क्या आता है ट्रू, अदरवाइज हमारा आंसर क्या आता है फाल्स। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ भी दोनों में फाल्स है तो फाल्स, ये देखिए एक है तो हमारे पास ट्रू आ गया क्योंकि एक हमारे पास सॉरी इसका इसका ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है ए के साथ, तो ये भी फाल्स है, ये भी फाल्स है, हमारे पास क्या आ गया आंसर इसका फाल्स, फिर फाल्स, फिर फाल्स, और नेक्स्ट हमारा क्या आएंगे तीनों के चारों चारों वैल्यूज हमारी जानने वाली फोर्थ वैल्यू है चारों चारों वो ट्रू आएंगी, क्योंकि हमारे पास क्या है एक वैल्यू हमारे पास है ऑब्वियसली, एक वैल्यू हमारे पास ट्रू है, यहाँ हमारे पास कुछ भी हो फाल्स और ट्रू हो तो हमारा आंसर क्या आता है ट्रू ही आएगा इसमें, यही हमारे पास है ए प्लस बी डॉट सी, जो कि हमारे पास दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम प्रूफ कर रहे हैं, तो उसके हमने एक साइड को प्रूफ कर दिया। अब सेम एज इट इज हमने क्या करना है, अब हमारे पास था हमने ए प्लस बी को फाइंड करना है और ए प्लस सी को फाइंड करना है, तो आपको पता है कि सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, जिसमें एक भी वैल्यू हमारे पास ट्रू आ गई तो हम क्या करेंगे उसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ए प्लस बी को हम देखते हैं, ए प्लस बी हमारे पास देखे दोनों में फाल्स, इसमें हमारे पास ट्रू आएगा, पहली फाल्स आएगी दूसरी भी फाल्स आएगी क्योंकि दोनों के दोनों फाल्स हैं, पहली तीसरी और चौथी हमारे पास क्या आएगी ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ हमारे पास ट्रू आएगी, सेम एज हमारे पास जो नेक्स्ट जो है ना पहली दो को छोड़ के पहली दो फाल्स हैं बाकी सारी इसमें हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ रही हैं ट्रू आ रही हैं, सेम एज इट इज हमारे पास क्या होगा ए प्लस सी को जब हम करेंगे तो पहली हमारे पास फाल्स आएगी, दूसरी ट्रू आएगी, तीसरी फाल्स आएगी, थर्ड देखिए तो दोनों फाल्स हैं हमारे पास फाल्स आएगी, चौथी हमारे पास ट्रू आ जाएगी, ठीक है, और पांचवी बाकी नेक्स्ट हमारे पास सो ऑन सारी ट्रू आएंगे क्योंकि हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो सारी ट्रू है। देखिए आपके पास ट्रू है तो यहाँ हमारे पास सी में कुछ भी हो तो आपको पता है कि और के प्रेशर में हमारे पास क्या था, अगर ये दोनों में से एक वैल्यू भी हमारे पास ट्रू आ जाए तो हमारे पास क्या आंसर है आंसर उसका ट्रू ही होता है, ठीक है। ये बड़ा मैंने प्रीवियस में शायद गलती कर दी है तो यहाँ प्लस ए होगा, मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है लेकिन वो लिखने में गलती होगी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ए प्लस सी ए प्लस बी जो है और ए प्लस सी जो है उसको हमने क्या करना है डॉट करना है, उसको डॉट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है हमने देखना है कि वो हमारा वो जो पहला वाला आंसर है वो उसके मुताबिक ट्रू आया या नहीं आया, देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है ए प्लस बी जो कि हमारे पास गिवन है उसका और ए प्लस सी को हमने दोनों एक्सप्रेशन को क्या करना है हमने डॉट कर देना है, थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, हमने डॉट करना है डॉट प्रोडक्ट लेना है ए प्लस बी ए प्लस सी, इन दोनों वैल्यूज का हमने क्या करना है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अच्छा तो सबसे पहले हम क्या इन दोनों वैल्यूज को देखते हैं, डॉट है तो इसका मतलब है कि सिर्फ दोनों जहां ट्रू होंगी वहां हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा ट्रू आएगा, बाकी सारे में क्या आएगा फॉल्स आएगा, तो ट्रू 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 एंड वाली चारों जिसमें हमारे पास क्या है दोनों एक वन टू थ्री फोर ए प्लस सी में देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस सी में हमारे पास यहाँ टू आ रहा है और ए प्लस बी में हमारे पास क्या आ रहा है ए प्लस बी में हमारे पास टू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया फाल्स फाल्स फाल्स, ये एक एक्सप्रेशन का फर्क पड़ रहा है या तो फिर यहाँ पे मसला होगा ए प्लस बी बी प्लस सी, हमने बी प्लस सी किया तो बी प्लस सी जब हमने किया तो बी प्लस सी की वन टू थ्री फोर फाइव, ओहो बेटा ये दोनों फाल्स थी या फाल्स है, अब इसका हम ट्रू करेंगे इसके साथ हमारा आंसर क्या आएगा ट्रू, मैंने बड़ा गलती से यहाँ फाल्स लिख दिया, और
यहाँ इसकी एक एरर आ रहा है, मुझे समझ कि किस जगह पे मेरी गलती हो गई है, तो वो अब देख लीजिएगा किस जगह पे मेरा कोई एक एक्सप्रेशन शायद गलत हो गई हो, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो वो आप उसके मुताबिक देख लीजिएगा। आपको भी बना हुआ है, मैंने मतलब आपको समय लगी होगी अब तक, इसकी सारी डिस्ट्रीब्यूटिव ला तीनों लाज होने पड़ी हैं। अब जो लास्ट ला है हमारे पास है वो है आइडेंटिटी ला, ठीक है। अब आइडेंटिटी ला में हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी ला में होता है, आइडेंटिटी ला इस बात को प्रूव करता है कि आप ए का अगर और करेंगे, ए को और करेंगे अगर आप ए के साथ ही एक और करेंगे उसके फाल्स के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दोबारा ए ही आ जाएगा, ठीक है। ए को अगर आप और करेंगे फाल्स के साथ तो जो आपके पास आंसर आएगा वो ए ही होगा, और सेम एज इट इज़ अगर आप ए को एंड कर देंगे ट्रू के साथ तो जो आपका आंसर आएगा वो दोबारा का दोबारा क्या आएगा, एंड ही आ जाएगा। मतलब कि इसकी समय तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप ए जो है आपके पास, ए हमारे पास क्या होता है, फाल्स, फाल्स, ट्रू, ट्रू और ट्रू, ये आपके पास होता है ए। अगर आप इसको और करेंगे ए और एफ, मतलब आपके पास जो चारों वैल्यू, आपके पास एक एफ की वैल्यू होगी, एफ में हमारे पास क्या होगा, सारी की सारी वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, फाल्स होंगी। ए को अगर आप और करेंगे फाल्स के साथ, ठीक है, ए को अगर आप और करेंगे फाल्स के साथ तो आपका आंसर क्या आएगा, ए और फाल्स आपका करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ए के इक्वल ही दोबारा आ जाएगा। हम इस बात को प्रूफ कर देते हैं, 1 2 3 4, ए को अगर आपने और कर दिया फाल्स के साथ, दोनों फाल्स है तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर फाल्स आएगा, दोनों फाल्स है आंसर हमारे पास फाल्स आएगा, दोनों ट्रू, एक ट्रू, दोनों में से एक ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आ गया, दोनों में से एक ट्रू है तो आपका आंसर क्या आ गया, ट्रू। तो यही हमारे पास क्या थी, ए। तो यही वो कह रहे हैं कि ए को अगर आप ए पे आप लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर दें और का किसके साथ, अगर उसको फाल्स के साथ उसको और कर दें तो आपका जो आंसर आएगा वो भी आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। सेम एज इट इज़ वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आप ए को एंड कर दें, मतलब ए के साथ एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करें फाल्स के साथ, ठीक है, सॉरी ट्रू के साथ, एक अगर आप लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करें ट्रू के साथ तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, दोबारा ए ही आ जाएगा। मतलब ए का अगर आप एंड कर देंगे ट्रू के साथ, ट्रू की वैल्यू आपको पता है हमारे पास क्या होगी, जो टी हो गया, जैसे हमारे पास फाल्स की वैल्यू सारी फाल्स होती हैं, सेम एज हमारे पास ट्रू की वैल्यू क्या होती हैं, सारी ट्रू ही होती हैं। या अगर आप इसको सिंपल इस तरह नहीं समझाते तो आप कह लें कि हर वैल्यू को आपने ट्रू ही लेके, हर वैल्यू को आपने ट्रू ही कंसिडर करना है, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे ए को एंड कर देंगे ट्रू के साथ तो आपके पास दोबारा क्या आ जाएगा, देखें अब हमने क्या किया, दोनों को एंड, इसमें दोनों में एंड का ऑपरेशन परफॉर्म किया ट्रू और फाल्स में, आपको पता है कि दोनों जब ट्रू होंगे फिर ही इसका आंसर ट्रू आएगा, वरना इसका आंसर क्या आएगा, फाल्स, ट्रू फाल्स हमारे पास क्या आता है, फाल्स, ट्रू फाल्स हमारे पास क्या आता है, फाल्स, ट्रू ट्रू हमारे पास क्या आता है, देखिए दोनों ट्रू है तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ट्रू, और सेम एज अगर आप हमारे ट्रू है तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ट्रू। तो ये हमारे पास था आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, और यही हमारा आज का टॉपिक था, और इससे नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, इसके ऊपर लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं, जो हमारे पास और, एंड और नॉट के थे, ठीक है, प्लस, डॉट और नेगेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थे, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, तो इन पे जो जो डिफरेंट वैल्यूज़ के दरमियान हम करते हैं इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, और यही आपका आज का आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर का, और यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।